ओशन ओनली वर्ल्ड के 50 डेज के जर्नी के अंदर हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे खुद का एक नेदर पोर्टल बनाया, और तो और अभी तक हम लोग 50 डेज के अंदर अपना जो है ट्री फार्म और तो और जो है अपने लिए जो है फूड फार्म को भी जो है तैयार किया। और इसी 50 डेज के अंदर इसी बीच हम लोगों ने और भी जैसे अचीवमेंट किए, जैसे डायमंड आर्मर कंप्लीट करना और आयरन का, और साथ साथ हम लोगों ने एक ऑसम सा बिल्ड बनाया जिसको हम लोग यहाँ पे पायरेट बोट कहते हैं, और उसी के बाद अब हम लोग 50 डेज और सर्वाइव करना है। तो डे 51 के स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम तो मेरे को यही करना था, क्योंकि अभी तो बहुत ढेर सारे काम करने मेरे को जो है बचे हुए थे। तो सबसे पहला काम उन काम में से ये था कि मेरे को थोड़ी सी जो है लकड़ियाँ को जो है इकट्ठा करना था। तो हम लोग पास जो ट्री फार्म था उसमें से जो है फटाफट से थोड़ी सी लकड़ियाँ को जो है काटना जो है स्टार्ट कर देता हूँ अपने सेक के लिए, क्योंकि अभी जो है इन लकड़ियों के मेरे को स्टिक बनाने हैं, और तो इन स्टिक से मैं ढेर सारी अपने लिए पिकेक्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे को जाना था माइनिंग पे, ठीक है। क्योंकि मैंने तो जो है डायमंड आर्मर अपना कंप्लीट कर ही लिया है, बची थी अब नेदरराइट आर्मर को जो है कंप्लीट करने की। बाकी इसके बाद मैं समुद्र में थोड़ा तैरने के लिए निकलता हूँ, तो मेरे को पावर फिश दिखती है, तो उसको मैं अपने बल्टी में जो है पकड़ देता हूँ फटाफट से। बट उससे पहले वो मेरे को थोड़ा सा पॉइजन देती है जो कि मेरा कुछ भी हानि नहीं कर पाता है, और इसको मैं वापस घर की तरफ लेके जाता हूँ। और लास्ट वीडियो में जो मैंने जहाँ पे एक मछली को अपने पाल के रखा हुआ था, मैंने वहीं पे जो है डालता हुआ दिखाता हूँ कार्नेट भाई को, ये देखो मेरे पास क्या है। इसी समय इसको पता ही नहीं चलता कि पावर फिश के ऐसे भी कुछ एबिलिटीज़ हैं मतलब पॉइजन वॉइजन देने वाले, तो वो भी हड़क जाते कि भाई इसके साथ हुआ क्या है, और वो डर के जो है पानी के अंदर चल जाता है कि इसका पॉइजन जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। बाकी छोटा सा प्रैंक करने के बाद उसके हम लोग निकल जाते हैं, रात्रि का समय था, हम लोग निकल जाते हैं नेदर में बाकी अपना बचा हुआ काम जो है निपटाने के लिए। नेदर में पहुंचते घास मेरे पे हमला करना जो है स्टार्ट करती है, तो मैं उसका जो है अचीवमेंट जो है कंप्लीट करना चाह रहा था, मतलब रिटर्न टू सेंडर वाला। तो फाइनली अब बहुत देर तक इसी को ट्राई करने के बाद फिर जो है ये अचीवमेंट जो है कंप्लीट हो जाती है। मतलब देखोगे तो हर जगह मतलब आगे आगे, मतलब तुम लोग को पता चल ही गया होगा कितनी बार मैंने ट्राई किया तब जाके ये हुआ है। बाकी इतना सब कुछ करने के बाद मैं फिर निकल जाता हूँ जहाँ पे सुयश भाई और कार्नेज भाई थे, बट वो मेरे को मिल नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि अपने लिए खुद के लिए मतलब अलग से बना लूँगा जगह, बट उससे पहले यार मेरे को और भी सारे काम जो है करने थे। उन सबको एक एक करके करने के बाद फिर मैं जो है अपने लिए खुद का एक माइंड जो है क्रिएट करना जो है स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने लिए जो है नेदरराइट जो है माइंड करना जो है स्टार्ट करूँगा। बहुत देर तक कंटिन्यूस माइनिंग करने के बाद जब मेरे को पता लगता है मेरे पास अच्छे खासे डेब्रिस हो चुके हैं, तो मैं वापस अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ, मतलब नेदर पोर्टल के पास आ ही जाता हूँ बस मैं। और बस मेरे को जो है घर जाने की देरी होती है। घर जाने के बाद मेरे को सबसे पहला काम यही करना था कि जितने मेरे पास थे डेब्रिस उनको जो है स्मेल्ट करना था, तो मैं उनको जो है इक्वली जो है डिवाइड कर देता हूँ दो ब्लास्ट फर्नेस में, और उसके बाद फिर कोल निकाल के जो है कोल को भी जो इक्वली जो है डिवाइड कर देता हूँ कि उतने ही जो स्पीड में जो है जल्दी जल्दी काम हो जाए मेरा। बहुत देर तक कंटिन्यूस वेट करने के बाद मेरे सारे डेब्रिस जो है स्मेल्ट हो चुके थे, तो अब मेरे पास मैं फाइनली जो इंगट जो है बना सकता था। तो एक एक करके मैं सारे के सारे इंगट जो है अपने डेब्रिस को जो इंगट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर अपने बस आयरन डायमंड के आर्मर को जो है नेदरराइट के आर्मर में जो है कम्प्लीट करना बचा था। एक एक करके मैं वो भी काम भी कर लेता हूँ, अब बस इसको पहनना बचा था। और पहनने के बाद फिर मेरे को एक ही काम करना था, वो है अपने टूल्स को भी जो है नेदरराइट के टूल्स में जो है कन्वर्ट करना। बाकी मेरे पास पिकेक्स थी जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज थी, और एक्स वैक्स भी थे, तो उसके लिए बस डैमेज पिकेक्स को रिपेयर करने के लिए मेरे को अपने लिए एक कैनविल बनाना पड़ा। तो मैं फटाफट से एक कैनविल बना लेता हूँ। मेरे को असल में डायमंड्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को अपनी मजबूरी के लिए जो है मतलब कि अपने नेदरराइट को पिकेक्स को पहले नेदरराइट में कन्वर्ट करना पड़ा, और उसके बाद फिर एक्स को भी कन्वर्ट कर दिया, फिर सॉर्ड को भी कर दिया। बट बड़ा प्राइस ये चुकाना पड़ा कि मेरे को अपने पिकेक्स की जो एचवी बढ़ाने के लिए मेरे को दो अपने इंगट जो है और यूज़ करना पड़ गया। खैर उसका कोई गम नहीं था मेरे को, बट दुख यही हुआ कि यार पूरी रिपेयर नहीं हो पाई है। उसके बाद मैं फ़िशिंग करने चल गया, बहुत देर तक फिशिंग करते करते मेरे को अच्छे अच्छे आइटम्स भी जो है मिल रहे थे। लगातार जो है कंटिन्यूस फिशिंग करने के बाद मेरे को अच्छी खासी जो है तीन चार बुक्स भी मिल गई थी, और तो मेरे को दो तीन बो भी मिले हुए थे। तो उन सबको इकट्ठा करते करते जो है मेरे को फिशिंग करते वक्त जो है एक फिशिंग रॉड भी मिल गई थी जिसमें लक ऑफ द सी लगा हुआ था। बट अभी तक मेरा लक जो है अच्छा था मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छा तो नहीं कहोगे यार, बहुत देर बाद मेरे को मिल रहे थे यार, फिर भी जो भी हुआ सो हुआ। और उसके बाद मैं चल जाता हूँ लक ऑफ द सी जो वाली जो मेरे को मिली रहती है उसको मैं फटाफट से जाता हूँ, मेरे पास एनविल तो होते ही है, मैं उनको फटाफट से जो है इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में जो है लग जाता हूँ। तो इसका करने के बाद फिर देखता हूँ
चेक करता हूँ किससे मेरे को ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, तो मेरे को 8 जो है कॉस्ट लग रहे थे, तो मैं उनको भी जो है फटाफट से कर लेता हूँ। उसका जो मेरे को बो मिली रहती है उसको भी मैं जो है फटाफट से लगा लेता हूँ, जिसमें मेरे को कम होते हैं, तो 6 की कॉस्ट थी उसको भी मैं ले लेता हूँ। उसके वापस जो है फिशिंग करने चल जाता हूँ, मेरे को उसमें भी जो है बोज और बुक्स की जो है मिलते रहते हैं वापस से। तो बस मैं लगातार जो है फिशिंग करते जाता हूँ अनटिल मेरे पास जो है बहुत अच्छे खासे आइटम्स जो है नहीं आते। तो फाइनली जब मेरे पास बहुत ढेर सारे जो आइटम्स हो जाते हैं तो मेरे को लगता है, फिर मेरे को उसी बीच पता चलता है कि मेरे पास जो है एक इन्फिनिटी वाली जो है किताब जो है आई हुई है। तो मैं फटाफट से वापस से जो है चल जाता हूँ अपने जो है एनविल के पास अपने बो को जो है रिपेयर करने के लिए। बट पता चलता है इसमें एक्सपी जो है ज़्यादा लग रही थी, तो मैं निकल जाता हूँ वापस से मतलब कि नीचे अंडरग्राउंड की तरफ, जहाँ पर हमने थोड़े मॉब्स को जो है मार सकते हैं। कंटिन्यूस बहुत देर तक यार मॉब्स को यार मारने के बाद मेरे को जब लगा मेरे पास अच्छी खासी एक्सपी हो गई, मतलब जितने इंचानमेंट से चाह रही थी, तो उतना करने के बाद मैं फटाफट से अपने बो को जो है इंचान जो है कर देता हूँ, मतलब रिपेयर कर देता हूँ कहीं ना कहीं। और उसके बाद मेरे पास एक स्माइट 4 की जो है किताब वाली बुक होती है, तो उसको भी जो है मैं अपने स्वॉर्ड में लगा लेता हूँ, मतलब कि स्माइट 4 इतनी बेकार नहीं होती है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ काइंड ऑफ। और उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपना अगला काम करने के लिए, जो कि होता है फिर से एक्सपी बढ़ाना। बट लास्ट टाइम जब मैं एक्सपी बढ़ा रहा था तो मेरे पर बहुत सारे जॉम्बीज़ का अटैक हो गया था, तो मेरे को काइंड ऑफ शक हो रहा था कि मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं स्पॉनर हो। तो जस्ट यार थोड़ा ही से मतलब आगे बढ़ते हुए मेरे को स्पॉनर मिल भी जाता है, और एक्चुअली वो जॉम्बी का ही रहता है, जो कि बेकार भी नहीं है, ठीक है। बाकी उसके चेस्ट में कुछ खास लूट नहीं रहती है, थोड़ी सी हड्डियाँ रहती जो कि मेरे कोई काम की नहीं रहती, बट मैं फिर भी ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस निकल जाता हूँ नेदर की तरफ, क्योंकि अब नेदर में जो है और भी ढेर सारे काम थे, जैसे कि मेरे को गोल्ड जो है ढेर सारे कलेक्ट करने थे गोल्ड ब्लॉक। नेदर में आते ही मेरा पंगा जो घास से होता है उसको मैं जो है घास चटा देता हूँ, और उसके बाद फिर निकल जाता हूँ थोड़े से गोल्ड के नगेट्स को जो है माइन करने के लिए। बहुत देर तक कंटिन्यूस गोल्ड के नगेट्स को जो है माइन करने के बाद फिर कार्नेज भाई ने यहाँ पे जो है एक पिगलिन को जो है पकड़ के कैद कर लिया था। तो बस मेरी बारी जो है आ चुकी थी मतलब गोल्ड्स को जो है ट्रेड करने के लिए। तो मेरे पास थोड़े 24 गोल्ड जो है पहले से जो है पड़े हुए थे, तो उनको जो है मैं फटाफट से एक एक करके फेंकना जो है स्टार्ट करता हूँ, और इस बेचारे नाबालिग पिगलिन से जो है ट्रेडिंग करना भी जो है स्टार्ट करता हूँ। बाकी मेरे पास नगेट्स थे तो उनको भी जो है मैं कन्वर्ट करके ट्रेडिंग करना जो है स्टार्ट जो है कर देता था। बाकी उसके बाद फिर इससे अच्छा खासा ट्रेडिंग करने के बाद जब कुछ अच्छा आइटम मेरे को नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। बाकी एक जगह से मेरे को स्ट्रेट माइन करने के बाद मैं खुले जगह पे निकल जाता हूँ, जो कि मतलब कि जस्ट एक मतलब कि सादा जगह रहता है, जो कि मतलब खुला बस रहता है, मतलब इस खुले जगह पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं मतलब फोर्ट्रेस वोटर्स मिलने की। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब ऐसे दौड़ लाता हूँ और ऐसे कोहरे में से भाई जब मेरे को फोर्ट्रेस नजर आता ना, मैं थोड़ा सा मतलब शॉक से हो जाता हूँ, मतलब कि सोची हम लोग ना नहीं सोचा था कि मतलब इतना जल्दी हम लोग को फोर्ट्रेस मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग को तलाश थे किसी और चीज़ की, जैसे कि बैशियन एस्टन टाइप का, क्योंकि अभी हम लोग का आर्मर की एचपी जो है बहुत कम थी, तो हम लोग सोचे थे अगर बैशियन में जाएंगे तो हो सकता है हम लोग को इंगट इंगट मिल जाए, जिसकी वजह से हम लोग रिपेयर कर सके या तो मेंडिंग की किताब वगैरह वगैरह। बट हम लोग को फोर्ट्रेस पहले मिल जाता है, तो हम लोग को जो जो पहले मिलता है हम लोग वो टारगेट जो है पूरा करते चलते हैं। क्योंकि भी थोड़े बिल्डर्स कैरेक्टर्स लड़ाई वड़ाई भी होती है, बहुत ढेर से बिल्डर्स कैरेक्टर इकट्ठा हुए रहते हैं, सब जो है कार्नेज भाई को मारना चाह रहे होते हैं, बट मैं आके उनको जो है बचा लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं आगे की तरफ जो है बढ़ चलता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते चलने के बाद फिर पता चलता है कि कार्नेज और मिस्टर सुयस जो है अपने आप में जो है यहाँ पे जो है अकेले ब्लेज से जो है लड़ाई कर रहे हैं। फिर पता चला ऊपर से जो है कई ब्लेज इनको जो है परेशान कर रही है, तो मैं ऊपर की तरफ बढ़ जाता हूँ और इनकी जो है थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, और जो ब्लेज इनके लोग को मार रहे होते हैं उनको जो है मैं मार देता हूँ फटाफट से, कि इनको जो है दिक्कत ना हो लड़ाई करने में। बाकी मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा यार मैंने ब्लेज रॉड मैंने इकट्ठा नहीं किए थे, वो इसलिए क्योंकि इसका जिम्मा जो है कार्नेज भाई और सुयस भाई जो उठा रहे थे। बाकी मैं जो एक्सप्लोरेशन में जो है ढेर जो जितना काम कर रहा था, बाकी इधर बीच मेरे को नेदर वॉर्ड भी मिलते हैं, बट ये सब करने के बाद ही मेरा जो है पंगा होता है खूब ढेर सारे जो है वेदर स्केलेटन से। यार इतने विदर स्केलेटन्स को मारता हूँ मगर कसम से भाई एक भी विदर हेड नहीं मिलता, बहुत बुरा लगता है। बट इसी बुराई को लेके मैं वापस से जो अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ, मैं जहाँ से आया रहता हूँ। उसका भी हम तीनों लोग जो है फटाफट से जो है आगे की तरफ को निकल जाते हैं, बट हम लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हम लोग बैस्टियन की तलाश में निकले थे, तो हम लोग को जो है बैस्टियन तो नहीं मिला बट घास मिल गई थी, तो उसकी भी मैंने हेडशॉट देके उसकी हत्या कर दी। उसके भी आगे बढ़ते वक्त मैंने जो इतने भी गोल्ड्स माइन किए थे उनको जो मैं फटाफट से थोड़ा सा जो है ट्रेडिंग इन लोग से भी कर लेता हूँ। बट ये लोग भी जो है खुद खास जो है सामान देते नहीं, जितना सामान नहीं देते उससे तो ये लोग मार ही रहे होते हैं। तो बाकी इनसे भी जो पूरा गोल्ड ट्रेड करने के बाद जब ये लोग पूरा फालतू का सामान दे देते हैं, तो उसका भी हम लोग भी जो है आगे की तरफ जो है बढ़ चलते थोड़ा ब्रिजिंग करते हुए, क्योंकि ज़मीन जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग सीधे सीधे चलेंगे तो घर पहुँचने में भी जो है आसानी होगा हम लोग को। आगे बढ़ते वक्त हम लोग को एक वो मिल जाता है, मतलब कि जिसके हम लोग को तलाश थी वो है बास्टियन,
उसी बीच मेरे को एक और घास दिखती है, उसको भी मैं पट से जो हेडशॉट मार के उसको भी मार देता हूँ यहीं पे। बास्टियन में कुछ खास लूट नहीं रहती क्योंकि ये बड़ा वाला बास्टियन नहीं रहता है, छोटा वाला जस्ट बास्टियन रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग फटाफट से जो है चेस्ट लूटने के लिए जो है चल जाते हैं। बाकी आप लोग इधर सोच रहे हो कि इधर पिगलिंस क्यों नहीं है, इधर पिगलिंस इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग जो है किसी गड्ढे में जो है फंसे हुए थे, तो इन लोग का पूरा लूट करने के बाद जो है मैं इन पिगलिंस को जो है मारना जो है स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि इनके चेस्ट में मेरे को एक सोल स्पीड की जो है बुक मिली थी जो कि आगे मेरे को एन्चेंटमेंट टेबल बनाने में जो है हेल्प करेगी। बाकी इस वर्ल्ड में जो हम लोग को बुक नहीं मिल सकता क्योंकि अपने पास जो है बिल्कुल भी शुगर केन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है बाकी सारे काम जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बुक्स भी हम लोग के लिए ज़रूरी थी, तो हम लोग जो भी हम लोग को मिल रहा था हम लोग लेते जा रहे थे। अंतिम हम लोग को 4-5 गोल्ड के ब्लॉक मिले थे, तो उसको लेके हम लोग जो है घर की तरफ जो है निकल चलते हैं। बीच में स्केलेटन परेशान करता है, बट मैं उसको इग्नोर करता हूँ, उसको स्केलेटन मेरे को मारने के बजाय सुरेश भाई को मार देता है। घर पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा जो है बीट्स को जो है अपने लिए इकट्ठा करता हूँ, और सारे के सारे बीट्स को इकट्ठा करने के बाद मैं अपने लिए थोड़े से जो है ब्रेड्स बना लेता हूँ, क्योंकि खाने की जर्नी में जो है कम नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि नेदर का सफर जो है बहुत लंबा था हम लोग का। तो उधर बीच में मेरा पूरे के पूरे एक स्टैक जो है मतलब ब्रेड जो है ख़त्म भी हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला। बाकी उसका भी मैंने जो केव्स में जो है स्पाइडर्स को और जॉम्बी से लड़ते वक्त जो मैंने थोड़े से स्ट्रिंग्स इकट्ठा किए थे, तो उनके मैं वुल बना के फटाफट से अपने लिए जो है बेड बना लेता हूँ। उसका भी कमरे में जाता हूँ, मतलब कि जो हम लोग शिफ्ट रहता है उसके कमरे में जाता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पर जो है मैं फटाफट से जो है बेड्स को जो है लगा देता हूँ। और मतलब फाइनली मतलब 50 दिन हम लोग ने इस वर्ल्ड में जो है बिता दिए थे, और अब दूसरे पार्ट में मैं फाइनली मतलब सोने की जो है तैयारी करने वाला था, ठीक है। बाकी उसका भी मेरे को जो बुक मिली थी उसको मैं डिसइंचेंट कर देता हूँ। मेरे दोस्तों के पास जो थोड़ी किताबें थी उन सब लोग मेरे को दे देते हैं, रेसिपी मेरे को याद नहीं रहती, तो मेरे को लगता 3 बुक लगेगी बट एक ही बुक लगती है, बाकी 2 बुक अभी मेरे पास पड़ी रहती है जो कि आगे मेरे को ज़रूर काम आ ही जाएगा। बाकी उसका भी नीचे अपना अंडरग्राउंड बंकर होता है शिप के अंदर ही, तो उधर ही जो है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि अपने पास जो है बहुत ज़्यादा बुकशेल्फ होते नहीं है, तो हम लोग को नॉर्मली जो है एक एक लेवल की ही इंचार्जमेंट जो है मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंचार्जमेंट नहीं मिल पाएगी, तो हम लोग उसी में जो है संतुष्ट होते हैं। बाकी थोड़ी सी हम लोग का एक्सपी जो है इकट्ठा करनी होती है, बाकी इससे पहले रात हो चुकी थी, तो हम लोग फटाफट से ये रात को जो है यहीं पर सो जाते हैं, और हम लोग का अचीवमेंट पूरा हो जाता है स्वीट ड्रीम्स का। और तो और अगले दिन की शुरुआत होते ही काम मेरे को बस यही करना था, वो था अपना जो है इंचार्जमेंट टेबल पे से इंचार्जमेंट्स को निकालना, अपन और आर्मर्स पे लगाना। तो मैं फटाफट से चल जाता हूँ चेस्ट रूम में, मतलब स्मेल्टर रूम में जो है सुयेश भाई ने थोड़े से रखे थे लैपिस लाजुली जो हम लोग को माइनिंग करते वक्त मिला था, उसका भी हम लोग एक एक करके जो अपने सारे के सारे जितने भी मेरे पास आर्मर होते हैं उन सब में मेरे को प्रोटेक्शन 1 जो है मिल रही होती, तो मैं उनको फटाफट से जो है ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर ऊपर जाता हूँ तो देखता हूँ चेस्ट में 5 एप्पल पड़े हुए, और थोड़े एप्पल में बस पहले से भी थे, तो बस मेरे को गोल्ड चाहिए थे जो कि हम लोग को नेदर के सफर के वक्त जो है मिले हुए थे। अगर उतना गोल्ड अगर मैं पिगलिंग के साथ ट्रेड नहीं करता तो आज अपने पास जो है और भी ढेर सारे जो एप्पल्स हो जाते हैं, बट कोई ना यार, जो होता भले के लिए होता है। उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ वापस जो है माइनिंग की तरफ, क्योंकि मेरे को अभी और चाहिए थी एक्सपी, तो मैं थोड़ा बहुत जो है जाता हूँ जॉम्बीज स्पाइडर्स को जो है मारता हूँ, और उसके बाद फिर तब तक मारता रहता जब तक मेरे पास साउंड अमाउंट ऑफ एक्सपी जो है नहीं हो जाती। ढेर सारी एक्सपीज को जो इकट्ठा करने के बाद फिर मैं जो ऊपर आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर मेरे पास जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो एक बुक बची हुई थी 2 बुक, उनको जो मैं फटाफट से इंचार्जमेंट टेबल्स में जो है देख लेते हुए चेकआउट करना चाहता था कि मेरे को और कुछ मिल रहे हैं कि नहीं। कुछ अगर अच्छा सा मिल रहा होगा तो मैं उसको जो एड ऑन जो है कर दूंगा। तो मेरे को प्रोटेक्शन 1 मिल रहा था, तो उसको जो है फटाफट से ले लेता, और मेरे पास जो ट्रायरेंट था उसमें मैं चेकआउट करने चल गया कि कुछ मिल रहा है कि नहीं। इंपेलिंग 2 मिल रहा था जस्ट में फाल फर्जी का, मैंने उसको बस लगा दिया। उसके अभी ऊपर आते ही मेरे को प्रोटेक्शन 1 की जो है मिली थी बुक, तो उसको मैं फटाफट से जो अपने चेस्ट प्लेट में लगा लेता हूँ, और प्रोटेक्शन 1+1 हो गई थी प्रोटेक्शन 2, और थोड़ा सा और प्रोटेक्शन हो जाएगा, बट ज़्यादा देर तक मेरी चेस्ट प्लेट जो चलने वाली थी नहीं क्योंकि इसकी एक्सपी थी बहुत कम। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास आ चुके थे भाई थोड़े से आई ऑफ एंडर, मतलब कि अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को जो है धूल चटाने की, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होल्ड की हम लोग को खोज की जो है तैयारी जो है करनी थी। तो हम लोग एक जगह जो है जुट जाते जहाँ पे हम लोग को जो है आई ऑफ एंडर फेंकना था। सुरेश भाई के पास थोड़े आई ऑफ एंडर ज़्यादा थे, तो मैं उन्हीं को बोल देता शुरुआत है फेंकने के लिए, फिर हम लोग निकल जाते हैं भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। बट उधर ही बीच मेरे को अंडर वाटर रूइन पोर्टल मिलता है, क्योंकि अब मैं जान रहा था कि इस वर्ल्ड में जो है मेरे को अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा तो वो पानी के अंदर ही मिलेगा, तो ये जो है मैं थोड़ा सा मैग्मा ब्लॉक लेने आ जाता हूँ, क्योंकि पानी के अंदर सांस लेने में जो है मैग्मा ब्लॉक जो है कहीं ना कहीं मदद करता है। थोड़ा सा मैं मैग्मा ब्लॉक इकट्ठा करता हूँ और वापस निकल जाता हूँ अपने जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी को ढूंढने में।
बहुत दूर तक इसी तरह यार आई ऑफ एंडर को फेंकने के बाद तक मेरे को पता चलता है कि अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अपने कदमों के नीचे ही है। तो मैं फटाफट से मैग्नम ब्लॉक को प्लेस करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि हेल्पफुल तो देखो हो गई ज़रूर से ही। तो मैं फटाफट से डिक करना जो है स्टार्ट करता हूँ। कुछ समय बाद फिर जो है सुयश भाई माइन करना जो है स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनके पास जो है एफिशिएंसी वाली पिकैक्स थी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते स्ट्रॉन्ग होल्ड में। बट इस बार किस्मत थोड़ा अच्छा था कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना नहीं पड़ा, और अपने आँख के सामने ही जस्ट पड़ा हुआ था ना। माइन करते करते हम लोग नीचे पहुँच गए थे। इधर भी जो है मेरे को केचुए जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बट उन सबको मैं जो है स्किप करके जो है फटाफट से अपना आई ऑफ एंडर जो है लगाना जो है स्टार्ट कर देता हूँ। पूरे के पूरे जो आई ऑफ एंडर जो है मैं लगा ही रहता हूँ, बट मेरे पास जो एक आई ऑफ एंडर कम पड़ जाता है, तो वो भी कार्निस भाई की मदद से जो है पूरा हो जाता है। बाकी अब बस बारी थी इस गहरे खाई में जो है कूदने की, जहाँ से वापस हम लोग तभी आएंगे जब मरेगा हम लोग के हाथों से ड्रैगन। तो बस 3, 2, 1 और हम लोग पहुँच चुके थे दी एंड की तरफ। हम लोग ऊपर बढ़ते ही बस अब जो है बारी थी इंडियन ड्रैगन को मारने की, और आप लोग अब इन्जॉय करो इंडियन ड्रैगन की मौत का तमाशा। बाकी बहुत देर के यार कड़ी मेहनत के बाद फिर जो है मेरे हाथों से यहाँ पे जो इंडियन ड्रैगन का जो है वध हो चुका था। मतलब कि इंडियन ड्रैगन इज़ नो मोर, इंडियन ड्रैगन है बचा नहीं, मेरे ही हाथों मरा है, जो कि थैंक्स टू मी। मैं इतना पावरफुल बंदा, इतना चालाक बंदा हूँ। ठीक है मैं अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं करता, बट अभी भी जो है सफ़र जो है ख़त्म नहीं हुआ था। इस बार हम लोग थोड़ा सा और चैलेंज लेने का सोचा था, मतलब कि इस बार हम लोग जाने वाले थे रिमोट एरिया, मतलब कि एंड सिटी की तरफ। अब मेरा समय तुम लोग हालत देख रहे हो मेरी, जो है भाई अस्थि पंजर पूरी की पूरी टूट चुकी है, मेरी लैगिंग्स बूट खत्म हो चुके हैं, हेलमेट और मेरे जो है चेस्ट प्लेट भी खत्म होने वाला है। ऐसा मेरी हेलमेट की हेल्थ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं अपना हेलमेट जो है अक्सर जो है कभी कभी पहनता नहीं हूँ, मतलब कि मेरे को अपना चेहरा दिखाना होता है इसलिए। बाकी उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते रिमोट एरिया में, मतलब कि एंड सिटी में। एंड सिटी पहुँचने पर मैं थोड़ी सी इनके सीट्स जो है तोड़ना जो है स्टार्ट कर देता हूँ। कोरस ट्री है ना मेरे ख्याल से, कोरस ट्री के मैं सीट्स जो है तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़े से कोरस फ्रूट भी जो है मैं अपने लिए ले लेता हूँ कि अगर हम लोग ओवरवर्ल्ड पहुँचेंगे तो ओवरवर्ल्ड पहुँचने के बाद हम लोग इसकी फार्मिंग जो है कर सकते हैं। बाकी इसका भी हम लोग को मिलती है बहुत दूर एक गहरी खाई होती है, मतलब कि हम लोग को उस तरफ जो है जाना होता है। तो मेरे सुयश भाई और कार्निस भाई के बीच में जो है चैलेंज लगा रहता है कि हम लोग के एंडर पर्ल से पहुँच पाएंगे उधर। तो सुयश भाई जो अपना नॉर्मल छोटा सा बुद्धि लगाते हैं और अपने एंडर पर्ल को थ्रो करते हैं, जस्ट एक तुक्का के लेकर देखे वो पहुंच पाते कि नहीं। नहीं पहुंच पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका सुयश भाई साफ सलामत जो है पहुंच जाता है क्योंकि अभी तक मरने का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था। बाकी इसका मैं भी जो है दूर जाकर पहुंच जाता हूं, बट अच्छी बात पता क्या रहती है कि मैं सुयश भाई से दूर जो है लैंड होता हूं, मतलब कि मेरा एंडर पर्ल जो है बहुत ज़्यादा दूर जाता, मतलब जैवलिन थ्रो की तरह था कि किसका एंडर पर्ल जो है दूर जा पाएगा कि नहीं। तो इस वजह से जो है मैं सुयश भाई से दूर पहुँचता हूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बस इसी तरह पता नहीं क्यों मज़ा आता है, बस आ जाता है भाई, लड़के हैं भाई, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं हम लोग। ठीक है,
बाकी इसका भी मैं अब इधर पहुँचता हूँ तो स्विच बस से थोड़ा सा क्राफ्टिंग टेबल लगवाता हूँ, क्योंकि मेरी जो है लेगिंग्स टूट गई थी तो मेरे पास थोड़े से आयरन्स थे, तो उनकी जो मैं लेगिंग पहन लेता हूँ। और उसका भी मेरे बूट्स भी जो है टूट चुके थे, तो मैं फटाफट से बचे हुए इंगट्स के जो है अपने लिए बूट्स बना लेता हूँ, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो यार प्रोटेक्शन तो चाहिए ना भाई। बाकी अब एंड सिटी आएगी तो भाई उसमें से हम लोग को जो है डायमंड्स का आर्मर जो है मिल सकते हैं, मतलब एंड शिप आएगी तो। और उसके बाद फिर हम लोग उतना पहुंचने से पहले मतलब थोड़ा सा एंडरपल लेने की जो है तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एंडरपल जो है ज़रूरी था। जैसे अभी भी जब हम लोग को बहुत दूर दूर हम लोग सफ़र कर रहे थे तो एंडरपल बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म हो रहे थे, तो मैं एक एक करके जो है खूब ढेर सारे एंडरमैंस को भी जो है मारना जो है स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि अभी अपने पप को जो है बहुत ढेर सारे एंडरपल की जो है ज़रूरत थी। बाकी इतना सब कुछ करते करते हम लोग जो है सीधे जो है बढ़ चल रहे होते हैं, और इस बार जो है हम लोग को फाइनली जो है एंड शिप जो है मिल जाती है। बाकी एंड शिप पे जो है कम खतरा नहीं होता है, बहुत बड़ा जो है चीज़ है ये, मतलब कि अगर मारना चाहे तो भाई ये आराम से भाई शिप जो है हम लोग को आराम से ईजिली जो है ख़त्म कर सकती है, क्योंकि बाहरी गेट पर देख रहे हो दो शल्कर जो है लगे हुए हैं। बाकी कानिन भाई तो दुम दबा के जो अंदर भाग गए, सुयेश भाई भाग गए थे। बाकी इन दोनों को मैं जो है मारने की जो है तैयारी जो है बना लेता हूँ, क्योंकि जाना है तो भाई इन दोनों को मार के जाना है। मैं एक एक करके जो है स्विंग्स करना जो है स्टार्ट कर देता हूँ, और इन दोनों से मिल जाता है मेरे को जो है शल्कर के बॉक्स। ऊपर तक पहुँचते मेरे को जो है बहुत ढेर सारे शल्कर से जो है लड़ना पड़ता है, उसी बीच जो है मेरा आर्मर जो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बट थैंक्स टू द लूट मेरे को जो है अच्छी खासी लूट यहाँ पे जो है मिल जाती है, एक अच्छी खासी सॉर्ड भी जो है मिल जाती है, थोड़े डायमंड्स भी रहते हैं जो कि मेरे अभी जो है नेसेसरी नहीं थे, बट फिर भी लालच के चक्कर में मैं ले ही लेता हूँ। बाकी यहाँ पे लड़ाई देख रहा भाई कितनी चौचक जो है मेरी हो रही थी, किसी न किसी हालत में तो मैं यहाँ पे जो है बच के जो है निकला था अपने आप को जो है ब्लॉक्स में बंद करके। बाकी उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो है मेरे को दिखता है यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ जो कि होती है ये एरिया जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि लूट लूँगा थोड़ा सा और। बट मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है, वो है एंड शिप का मतलब जहाँ पे इलाइट्रा होती है। मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे जो इलाइट्रा वाला पोर्शन होगा, बट मेरा सडनली जो है ध्यान जाता है, फिर मेरे को पता चलता है यहाँ पे इलाइट्रा वाला पोर्शन है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, मैं सोचता हूँ एंडरपल फेंकूंगी तो मेरी हेल्थ और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो बस मैं थोड़ा सा डैमेज खाता हूँ मतलब कि सल्कर से, और उसके बाद फिर मैं एंडरपल फेंकता हूँ जहाँ से मैं डायरेक्ट एकदम पहुँच जाता हूँ एंड शिप पे पोर्शन पे जहाँ पे होती है इलाइट्रा। बाकी यहाँ पे भी जो है मेरे को थोड़ा सर्वाइव करना होता है, क्योंकि मैं एकदम हाफ हर्ट पे आके जो है बचता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे हर्ट अगर ख़त्म हो जाता तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे मर चुका होता, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास मतलब चेस्ट प्लेट भी नहीं है भाई मेरे पास, और मेरे पास आयरन के इंगट भी नहीं थे कि मैं अपने चेस्ट प्लेट जो है बना सकूँ। बाकी मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं थे कि मैं अपने आप को कवर तक कर सकूँ। देख रहा हूँ मेरे पास जब मैंने शुरुआत के जो है थोड़े से मैंने ये लिए हुए थे मैग्मा ब्लॉक, उसी से मैं अपने आप को जो है कवर कर रहा था। बाकी उसका भी मैं इनको जो है ब्लॉक्स को जो है तोड़ता हूँ, अंदर की तरफ निकल जाता हूँ। अंदर मेरे को थोड़े से पोर्शन मिलते हैं, वो रहते हैं भाई रीजनरेशन के मेरे ख्याल से, तो उनको जो है फटाफट से ले लेता हूँ और उनमें से एक पी भी लेता हूँ कि मेरी हेल्थ जो है बढ़ जाए भाई फटाफट से, इंस्टेंट हेल्थ रीजनरेट हो जाते हैं। उसके फिर अंदर बढ़ते हुए एक और जो है शल्कर रहता है, उसकी भी जो है वाट लगाता हूँ मैं फटाफट से साथ में फाइव वाली शॉट से। उसके बाद मेरे आँखों के सामने लाइटर रहता है, बस बचा हुआ था उसको निकालना उसमें से, इस शल्कर को मैं फटाफट से मैं मार देता हूँ। उसके अगले बस लाइटर निकालना बचा रहता है, और इन चेस्ट को जो है लूटना बचा रहता है कि इन चेस्ट में जो है होगा क्या। बाकी फटाफट से मैं जो इन चेस्ट को भी देख लेता हूँ, पिकैक्स रहती है कि सॉवल रहती है, बाकी जो भी मेरे को ठीक ठाक लगता है मैं सबको जो है ले लेता हूँ। बाकी सबसे बड़ी बात थी लाइटर थी, उसको भी जो है मैं फटाफट से जो है निकाल लेता हूँ, और अपने चेस्ट प्लेट तो मेरी बची हुई थी नहीं, उसको मैं फटाफट से जो है उसकी जगह लाइटर जो है मैं पहन लेता हूँ। उसके बाद अपने पास रॉकेट भी नहीं थे, पेपर भी नहीं थे, बाकी अब देखो मैं कैसे इसको उड़ाऊंगा कैसे नहीं उड़ाऊंगा वो अपनी जगह है। बाकी इस चेस्ट में जो है थोड़े से वैल्यूबल आइटम तो मेरे पास शल्कर के जो है टुकड़े थे, तो मैं मतलब शल्कर बॉक्स जो है बना सकता था, और यहीं पे जो है चेस्ट भी था ठीक है। तो मैं फटाफट से जो है इनके जो है चेस्ट तोड़ता हूँ और उनसे जो अपने लिए एक शल्कर बना लेता हूँ, और बस फिर ज़िंदगी में कुछ बचा तो था नहीं तो मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ, क्योंकि ये दोनों भी जो है निकल जाते हैं क्योंकि इन दोनों के हाथ में लाइटर लगती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो इन्वेंट्री को जो है क्लियर करता हूँ। मेरा हेलमेट अभी भी बचा ही हुआ था जो कि मैंने बताया था, क्योंकि मैं हेलमेट उतना यूज़ नहीं करता तो हेलमेट की हेल्थ जो है बची हुई थी, तो उसकी जगह मैं जो है नॉर्मली जो है इसी तरह जो है वापस से अपने आ जाता हूँ भाई एंड गेटवे के पास। उसका भी इंटरपल थ्रो करता हूँ, लास्ट वाली अपने जो है घर पहुँच जाता हूँ वापस से। फिर उसके बाद अब बची थी बस अपने जो है दोबारा से उस गहरे खाई में जो है डूबना। बाकी इसी काम को करते करते मैं एक काम जो है और भूल जाता हूँ,
वो रहता है कि भाई ड्रैगन का एग लेना। तो बस मैं यही भूल जाता हूँ कि ड्रैगन का एग नहीं लिया भाई, अब वापस आना पड़ेगा भाई पूरा के यहाँ यहाँ, क्योंकि अभी ये पार्ट जो है अभी एंड नहीं हुआ है भाई पूरा, मतलब कि अभी हम लोग को 50 डेज और सर्वाइव करने यार इस वर्ल्ड में। खैर मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट जो है यहीं पे जो है ख़त्म हो गया, मतलब कि 50 डेज़ की जर्नी में हम लोगों ने जो है सक्सेसफुली जो है सर्वाइव कर लिया। हालांकि अपना नेदरराइट का आर्मर भाई पूरा ख़त्म हो गया इस 50 दिन की जर्नी के अंदर, इतनी कठिन जर्नी होगी जो कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोची थी। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि डेडलीस्ट जर्नी था हम लोग का, क्योंकि भाई अभी तक हम लोगों ने जितना भी जर्नी को सर्वाइव किया उसमें भाई कम से कम हम लोग का आर्मर नहीं ख़त्म हुआ भाई इसमें, तो भाई वो भी मतलब आर्मर तक नहीं बचा भाई। खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल वेरी वेरी सब्सक्राइब कर।